आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चतुर्भुज की रचना पर आधारित उदाहरण देखेंगे। चारू एक पुस्तक पढ़ रही है जिसके लिए वो नीचे दिखाई हुई आकृति जैसा एक आयताकार बुकमार्क बनाना चाहती है। चारू सोचती है कि बुकमार्क को घुमाकर वो उसमें रिबन डाल देगी। क्या आप चारू के लिए बुकमार्क पी क्यू आर एस का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो। जैसा कि पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि एक चतुर्भुज के निर्माण के लिए 5 मापों का मान चाहिए होता है, परंतु इसमें तो केवल हमें 3 मापों का मान पता है। अब सवाल यह है कि बुकमार्क कैसे बनाए। शाबाश, हम ये पढ़ चुके हैं कि आयत में सम्मुख भुजाओं का मान बराबर होता है। पी क्यू बराबर आर एस बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर एस पी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें हमें चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 मापों के मान मिल जाते हैं, जिससे हम आयत पी क्यू आर एस का निर्माण कर सकते हैं। भुजा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर बनाए। अब बिंदु Q से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं। अब सवाल यह है कि त्रिभुज पी क्यू आर का निर्माण कैसे होगा। बिल्कुल सही, इसके लिए बिंदु P से 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप पहले चाप की ओर खींचिए। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु R को बिंदुओं P व Q से जोड़ें। इस प्रकार हमने त्रिभुज PQR बनाया है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि त्रिभुज PSR कैसे बनाएंगे? इसके लिए बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएं। अब बिंदु R से 12 सेंटीमीटर का चाप बिंदु P से बनाए गए चाप की ओर लगाएं। दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे हम S से नामांकित करते हैं। अब बिंदु S को बिंदुओं P व R से जोड़ते हैं, जिससे हमें त्रिभुज PSR मिलता है। और इसके साथ ही हमें हमारा अभीष्ट चतुर्भुज PQRS मिल जाता है। इस प्रकार हमने एक आयत बुकमार्क PQRS बनाया है। आज हमने इस उदाहरण की मदद से एक चतुर्भुज की रचना समझी और देखा कि किस प्रकार चतुर्भुज की रचना करना हमारे दैनिक जीवन में भी लाभकारी हो सकता है।